नफरत की आग, प्यार के जज्बात और साजिशों की टकरार के जंग की एक और कहानी शुरू हो रही है। कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रनंदिनी की, जो नफरत और प्यार की अनोखी दास्तां बयां करेंगे। इस कहानी में प्यार की जंग होगी, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है शो की प्रोड्यूसर साहिबा ने, जिन्होंने इस शो में एक कहावत और एक सच्चाई को साबित करने की कोशिश की है। और वो सच्चाई है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के महान योद्धा बनने के पीछे चंद्रनंदिनी का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये इस कहानी में खास दिखाया जाएगा। चंद्रगुप्त एज ए पॉलिटिकल married hen Lerna and one daughter that Padmanand had, which was, her name was Nandini or Kalyani, and there are many names to her. I said, we've always had kings and we've had queens jinki stories humne suni hai jo war pe gayi hain, but Grani jo ek rani bhi hoti hai, uska us king ke psyche pe kitna effect hota hai, especially if she has an important place in his life, wo humne kabhi nahi dekha. So we decided, it was Gaurav's idea actually, to say not to call it only Chandragupta Maurya, because when a king excelled this way, there was a woman behind him or with him by his side. So the show was called Chandranandini. चंद्रनंदिनी, ये कहानी रोशनी डालेगी इतिहास के उन पन्नों पे जो शायद किसी को नहीं पता। चाणक्य के अलावा नंदिनी की नफरत ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसा एक बड़ा वीर योद्धा बनाया, ये उस पर आधारित है। आज हमारी सुहाग रात नहीं, तुम्हारी अंतिम रात है। तब तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। तुम हाथों को मेरे रक्त से रंगना चाहती हो। जिसने हमारे पिता और हमारे भाइयों का वध किया, उसका रक्त बहाने में कैसी लज्जा। मुझे प्रतिशोध चाहिए चंद्रगुप्त। कहानी में कौन होगा ये तो आप सभी को पता चल गया होगा। वापसी हो रही है जलालुद्दीन अकबर यानी कि रजत टोकस की, जो अब चंद्रगुप्त मौर्य के अवतार में नजर आने वाले हैं। रजत पिछले एक साल से इस शो की तैयारी कर रहे थे, और अब इस शो में कैसा होगा इनका किरदार, ये आप उनसे ही जानिए। बात करने का ढंग, उसका नजरिया, सब कुछ अलग है। और एज एन एक्टर मेरा फर्ज बनता है कि एक अलग किरदार को अलग तरह से निभाऊं, और दैट्स इट। पहनने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वही मैं आपको कहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, मुझे इसी की रोटी मिलती है, तो मेरे को फर्ज है, मेरे को ये सब निभाना है। रजत ने शो की बातों के साथ साथ कई सारी बातें भी की, गिले शिकवे भी मिटाए, और साथ ही शो को लेकर अपनी वाइफ और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था वो भी बताया, और हाँ एक स्पेशल मैसेज भी दिया अपने फैंस के लिए। मेरा ये मानना है कि जिस परिवार के लिए इनकी उम्मीदें जो हैं मुझसे, ना ये उम्मीदें नहीं कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँ, ये कि एक वाइफ है, एक माँ है, एक बाप है, उनका घर चलाना, ये सब वो मेरे लिए मैटर करता है। देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों से बात बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा या कतई नहीं करना चाहूँगा। अभी एक सवाल भी उठा था कि मैं अवॉइड करता हूँ, मैं अवॉइड ये करता हूँ, आपका अगर हाथ अगर मैं पकड़ लेता हूँ, मैं अवॉइड ये करता हूँ कि कुछ लोग थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर देते हैं। जैसे क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स शूट करना हमारे लिए नेसेसरी होता है, हम उस पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, वो क्लाइमेक्स आप एक दो हफ्ता पहले दिखा देते हैं, तो फिर हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें। वो तो बहरहाल खुश हैं, वो तो देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, तो वो तो मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं चाहे मैं कुछ भी करूँ। घर वाले सबसे बेस्ट क्रिटिक होते हैं? नहीं, घर वाले सबसे बुरे क्रिटिक होते हैं। क्या होता है ना, घर वालों का वैसा है जो भी, जैसे अपना बच्चा है, तो मैं घर वालों की उन पर बात नहीं करता। बहरहाल मैं घर पर जाके भी काम के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं बाकी सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। प्लीज़ दुआएं दीजिए कि ये शो भी हर शो की तरह कहीं ना कहीं आपके दिलों पर छा जाए, या फिर आप कम से कम इस शो को देखें अपनी ज़िंदगी के आधे घंटे निकाल कर। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हर बार की तरह ये कहूँगा कि आपको एंटरटेन किया है, कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। चंद्रगुप्त मौर्य से मिले हैं तो अब जरा चंद्रनंदिनी से मिलिए, जो साज श्रृंगार कर रही हैं। इनका साज श्रृंगार अगर आप सोच रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को रिझाने के लिए है, तो आप गलत हैं। इनका ये श्रृंगार तो बदले को अंजाम देने के लिए है।
श्वेता से, जो काफी समय बाद छोटे पर्दे पे फिर से वापसी कर रही हैं। नहीं, मैंने कहानी करियर की काफी सालों पहले किया था, और इकबाल के बाद जो 2005 में रिलीज हुई थी उसके बाद स्टडी ब्रेक लिया मैंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मास मीडिया और जर्नलिज्म से, डॉक्यूमेंट्री बनाई, शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की, एक जॉब किया फैंटम फिल्म्स में, और एक मुझे बिहाइंड द कैमरा एक मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, बिकॉज मेरे कम्फर्ट लेवल हो गया था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इस साल की शुरुआत में जब ये शो का ऑफर आया था मुझे, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मुझे कुछ 5-6 साल से टीवी के शोज़ के ऑफर्स आ रहे, लेकिन मैं ना बोल रही थी, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनानी थी मुझे। बट दिस प्रोजेक्ट एक्साइटेड मी, एक तो क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और हिस्टोरिकल है, जो मैंने कभी नहीं किया है, और नंदिनी का कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही यूनिक है, और मुझे बहुत ही पसंद आया। और जैसा आपने कहा घर वापसी, बिल्कुल सही बात है, मुझे एकदम लग रहा था कि इट्स लाइक होम कमिंग। एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स तो लग ही रहा है, बिकॉज काफ़ी कॉस्ट्यूम ड्रामा और हिस्टोरिकल से अलग है। कि आप देख रहे हैं नेकलेस जो है ये नॉर्मल ऐसा नहीं, ये थोड़ा ऐसे स्लांट में जाता है और ये एसिमेट्रिकल है, और कलर्स भी काफ़ी बोल्ड हैं, और इट्स नॉट अ ब्लाउज, इट्स नॉट अ यू नो, इट्स नॉट अ साड़ी और एनीथिंग, इट्स अ वेरी यूनिक कॉस्ट्यूम। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये जो हेडगियर भी है, हमने एक टियारा या क्राउन का इंडियनाइज वर्शन इन्होंने करने की कोशिश की है, तो सब कुछ जो है वो काफ़ी ग्रैंड है, ये सिंपल है, क्योंकि नंदिनी बहुत ही सिंपल पॉजिटिव लड़की है, बट शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस, तो हर चीज़ ग्रैंड भी है लेकिन काफ़ी सेंसिटिव और सॉफ्ट। चंद्र नंदिनी की कहानी कैसी होगी ये सभी जानना चाहेंगे, और ये बात सबसे बेहतर बता सकता है इस कहानी का लेखक, जो है बोधी सत्वा जी। क्या कहानी है चंद्र नंदिनी की, ये आप उनसे ही जानिए। एक तो एक इस कहानी के रचयिता सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर हैं, लेकिन मेरा इस पूरे शो से बहुत एक गहरा संबंध है। मैं इनका इस शो का रिसर्च हेड हूँ, और बहुत दूर तक कहानी में जो भी कंटेंट है वो मेरी देख रेख में या मेरी सलाह पर। बहुत सारी बातें हैं, जैसे वो ख़रीदा और बेचा गया, ऐसी बातें लोग नहीं ध्यान में रखे होंगे। एक ऐसा बच्चा जो चरवाहों के बीच में पला, फिर बड़े होकर के वो किंग होता है, भारत का सम्राट होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तथ्य चाणक्य के बारे में हमको देखने को मिलेंगे, जो बातें लोगों को अब तक जितने भी शोज हुए हैं उनके द्वारा पता नहीं चली है। तो ये चीजें सरप्राइजिंगली मेरे ख्याल से उस समय आए तो बेहतर होगा। वैसे चंद्र नंदिनी की कहानी के बारे में हमें भी एक बात पता चली है, वो ये कि एपिसोड के शुरुआत में पहला शॉट एक मच्छर का होगा, उसके बाद चंद्र नंदिनी की एंट्री होगी। और बात करें अगर रजत टोकस की एंट्री की, वो कैसे होगी, हम आपको बता दे कि रजत टोकस की एंट्री तो चौथे एपिसोड में होगी। खबरों को खबरों की तरह लेती हूँ, आज ही शो लॉन्च हो इसलिए आज ही खबर आई। शो की कहानी कैसी होगी ये आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, लेकिन आप डायरेक्टर साहब से भी मिल लीजिए, जो आजकल खूब सुर्खियों में आ चुके हैं। बात हम डायरेक्टर रंजन जी की कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ आए थे, लेकिन हमारे सवालों से वो बच नहीं पाए। चंद्र नंदिनी अभी तो ज्यादा देखी नहीं है, बट मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूँगा कि एकता ग्रेट है। एकता की जो सोच है ना, वो ऑडियंस इनकार करेगी ही नहीं, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ा ना तभी मैंने कह दिया कि ये शो हिट है, क्योंकि स्टोरी को ऐसा घुमाया, इतना बांध के रखा है ना। आप पहले ही एपिसोड में बम फोड़ दिया, सेकंड एपिसोड में दूसरा बम फोड़ दिया, तो ऑडियंस तो भागने का सवाल ही नहीं उठता। और हिस्ट्री को भी पकड़ के रखा है, ऐसा नहीं कि खाली फेक है, बट हिस्ट्री को इतनी सफाई से पकड़ा है ना, इसमें एकता को मैं सैल्यूट करता हूँ। सारी सीरियल से देखती हूँ, अब मैं ही बताती हूँ क्या सही था सीन क्या नहीं था। हाँ, मैं घर पे जाके पूछता हूँ इसी से, क्योंकि ये मेरी प्योर ऑडियंस है, इससे मुझे पता चल जाता है कि शो चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये खुलेआम बोल देती है कि ये नहीं चलेगा, और इसको किसी टेक्निक से लेना देना नहीं, ये सीधा सीधा देखती है। कुछ ऐसा नजारा था चंद्र नंदिनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब जाते जाते जरा इस शाही थाली पे भी नजर डालते जाइए, जो खास मीडिया वालों के लिए रखी गई थी, और साथ ही नजर डालिए रजत के फोटो सेशन पे भी। सुशीला उपाध्याय के साथ आरती गुप्ता पांडे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।